हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ खैर खैर से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं व्लॉग भारत ब्योल चौक पर। तो आप जानते होंगे कि आज भारत ब्योल वाले दिन क्या हुआ था। तो इस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी पैदा हुए थे और वफात भी इस दिन पा चुके थे। पैदाइश का तो पता नहीं, कन्फर्म नहीं है। किसी कोई से रवायत में जिक्र हो रहा है कि 15 रबी अव्वल को, कोई से रवायत में जिक्र हो रहा है कि 10 रबी अव्वल को। तो वफात की डेट तो पक्की है कि इस दिन वफात पा चुके थे। तो लोग कैसे 12 रबी अव्वल मनाते, तो आज हम बना रहे व्लॉग, तो आपको भी दिखाते हैं कि लोग कैसे मनाते हैं 12 रबी अव्वल। तो लेट्स कम विद अस एंड कीप ऑन वॉचिंग। मैंने आवाज से मोबाइल ले लिया और ये दोनों आए हुए इधर चीजें लूटने। ये देखो, ये लूटने आए हुए हैं। तू क्या बोल रही है? और इसके साथ ये भी लूटने आए हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं, पापड़ मापड़। और ये देखो यार, बच्चे काम नहीं कर रहे। पूरा एक तेरी घर पे रखे आजम ने। हमारे भी सुबह से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है लूटने के लिए। ये आए अभी चीज पकड़ने के लिए। मुझे बोला था, मैं बोला मैं तो लोग बनाऊंगा। ये अभी आया हुआ है चीज पकड़ने के लिए। हाँ जाओ ले ना, वो अंकल दे रहे। जाओ बोलो, मुझे भी दो। जाओ जाओ ना, मामा मात के लिए भी दे। कोई तरीका है भीख मांगने का? जा बोल। बोले तो इनमें सब कुछ हमारे प्यारे भाई और बहन ऐसे हैं जो घरों से पहले आप ये आपको मैं बताता हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गाइस, हम यहाँ पर मेन चौक में आ गए जहाँ से सारे जुलूस यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और फिर गैरदम की तरफ रवाना हो जाए। गैरदम मजार की तरफ रवाना होते हैं। तो हर कोई बोलते हैं कि पुलिस कैसा है, पुलिस कैसा है। तो आपके पीछे देख रहे पूरे धूप पे खड़े हुए हैं, धूप पे हमारी हिफाजत के लिए। तो ये आप देख सकते कोई क्या कर रही, कैसे पकड़ रही, पापा के यहाँ पर आए हुए हैं। ये हाल है, हम तो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, मगर मैंने बोला आज आपको जो लोग बना दूँ। गाइस आप देख सकते हैं जहाँ पे एक तरफ इतना रश और इतना ख़राब माहौल है, मतलब ये धक्के वक्के। और इस पे हम सलाम पेश करते हैं अपने सिंध पुलिस को, हमारे सिंध पुलिस के जवान ये जो इस मुश्किल में लोगों को सही करते और रश वगैरह को सही करते। और हम जितनी तारीफ करें अपने सिंध पुलिस को, आप देख सकते हैं कितने मुश्किल हालात हैं। और एक हमारे ये सरे जो इतने मुश्किल में लोगों को साइड में करते, हम सलाम पेश करते हैं सिंध पुलिस के जवानों को। हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और इनकी बात माननी चाहिए जो ये बोले इस रश में। ये कहावत है कि पांच चीजें एक जैसी नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसमें कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। और इसी तरह गलियों में भी ऐसा सिलसिला चल रहा है, ये आप देख सकते हैं ऊपर से पापड़ फेंक रहे। नची
कैप्चर हो गया भाई, अभी तू गया, अभी गया। ये नहीं नहीं भाई, ये मैं वो लेडीज को लग रहा था तो मैं लेडीज को बचा, उनके आँख पे लग रहा था इसलिए मैंने आज जाया, मैंने बचा। कैप्चर हो गया भाई तेरे भाई, कैप्चर कर दिया। अभी चलो भाई, जो तो मजाक था इनसे पूछो, लेकिन ये लोग घर में बैठ के देख रहे हैं, यहाँ किसी को लग गया है, लग गई जो ये तो लग गई थी लेडीज को, मैंने बचाया। यार तू बड़े बड़े उठा रहे क्या हुआ? वो बात है, उठाना अलग बात है, लेकिन ये लोग तो घर में बैठ गए, घर में बैठ गए लोग, यहाँ न्याज का मतलब क्या होता है? प्यारी समझ गई, एक ही भाग गया तेरे जैसे शर्मा रहा था, इसलिए भाग गया। इन बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, दे रहे ये भी अच्छा काम नहीं है, अगर दे रहे तो फिर हाथ में दे रहे, ऊपर से फेंक रहे नहीं है, कोई क्या कर रहे हैं? आपको चीज बता रहा हूँ, ये बिल्कुल नोट कर ले आप। चुप, बहुत ज्यादा प्यास लगी यार इस भाई को, मेरे को बोल यार मेरे लिए बोटा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जितने भी पापड़ थे, पापड़ खा के इसको प्यास लग गई, अब शरबत उठा रही है। देखे टोपी तो ऐसी पहनी हुई है जिस आपका बेटा है। माशाल्लाह, वैसे ऐसे ही तो खूबसूरत नहीं है जितना तू मोबाइल में खूबसूरत आ रहा है। इसी तरह आजम का प्यारा दोस्त, ये देखे ये भी आया हुआ बच्चा है, ये भी जीत के आया हुआ है। किस लिए आया यहाँ पर? पापड़ पकड़ने के लिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये देख की बात क्या पे बात आ रही है, ऐसा क्यों आया बताओ? ऐसी दूर का बिलाद बना कल इसकी शादी, आज लूटने आया हुआ है। हम तो लूटने आया, तू तो यही खा रहे मेरा भाई, समझ रहे हो? समझ रहे हो यार, अभी हम जा रहे बहुत अप्रकृति का माहौल है, तो अभी हम निकलेंगे, वो जहाँ पर रश हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको हम ट्रेन में रिसीव भी देंगे, कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे। हम तेरा दिल लाग करेगा, पचास रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह बहुत ज्यादा रोश हो गया, बहुत ज्यादा रोश हो गया, भीड़ का माहौल है। और इसी तरह हम अपने एरिया पे पहुंच गए हैं, अभी हम जाएंगे अपने थोड़ा रेस्ट करेंगे, अभी सोएंगे मोएंगे और चीज करेंगे, फिर को एक मैसेज भी कन्वे करेंगे। तो गाइस हमारा व्लॉग बनाने का हर किसी ये मतलब नहीं था कि हम किसी को पॉइंट आउट करें, जस्ट ये मतलब था कि यार इन लोगों को ऐसा बारबोल नहीं मनाना चाहिए, अगर मनाए तो फिर जाए मस्जिद में जाए, दुरूद शरीफ पढ़े, इससे अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा। तो मेरा भाई आपको एक मैसेज डिलीवर करना चाहेगा, तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सुनिए यार, एक बात बताओ आप लोग मुझे, न्यास का मतलब क्या होता है? लोगों को बिठाना, लोगों को हाथ में देना, लोगों को हमको सिखा रही है, लोगों को खुद अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना। ये लोग रिस्क यूँ फेंक रहे और जूस यूँ फेंक रहे, वो जाके गाड़ियाँ उस पर चल रही है, लोग उस पर पाँव रख रहे, और मैं देखा वो एक अभी इतनी बड़ी दाढ़ी है, इनको मैं क्या बोलूँ, आजी साहब की इतनी दाढ़ी है, होटल पे का वो जाके वो उधर है आंटी जी उसके हाथ पे लगा, तो ये आपने देख लिया होगा, ये हम लोग का ये न्याज कबूल होगा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप रिस्क को फेंको, रिस्क की बेहुमत ही करो, इसी की वजह से तो पाकिस्तान बुरे हालात के शिकार हो गए हैं। जैसे कि नहीं है पानी, नहीं है पानी भी फेंक रहे थे वहाँ पर, हालांकि बलिया में पानी नहीं है फिर भी पानी फेंक रहे थे। यार बंदा आप जैसे मनाते हो तो फिर मनाओ,
मगर यार रिज को हाथ में दो। कुछ बंदे इसमें भी ऐसे भी थे, कुछ बंदे ने हाथ में भी दिए थे, मगर सारे जो सबसे ज़्यादा जो बंदे थे ना वो फेंक रहे थे। कोई चत्तर से फेंक रहा था, कोई गाड़ी ऊपर बैठा था फेंक रहे थे। जैसा नहीं करना चाहिए, इससे अल्लाह पाक भी नाराज़ हो जाता है। हम लोग ये लोग इसलिए नहीं बना रहे थे, हम लोग क्या नाम है इसी को पॉइंट आउट करें, हम लोग ये नहीं है कि हम लोग वीडियो इसलिए नहीं बना रहे, हम लोग बस आपको ये बता रहे थे कि हमारे लोग यहाँ पे 12 रबीउल कैसे मनाते हैं, बस हम आपको खाली इतना बता रहे हैं। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज 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 ये काम करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं यहाँ पर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़।